स्टूडेंट सी हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी यू सी टू एच थ्री ओ टू टूस प्रेजेंट इन टू हंड्रेड ग्राम ठीक है आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं कॉपर एसीटेट के ठीक है ये सी यू सी टू एच थ्री ओ टू टॉइज जो है हमारे पास कॉपर एसीटेट का फॉर्मुला आता है आपसे बोला गया है कि आपके पास टू हंड्रेड ग्राम कॉपर एसिटेट प्रेजेंट है आप बताओ कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ओके तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे पास जो कॉपर एसिटेट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कॉपर सेंटर में आएगा ठीक है उसके साथ एक ऑक्सीजन लिंक होगी फिर वो ऑक्सीजन जो है आगे C डबल बॉन्ड O C H थ्री के साथ लिंक्ड होगी सेम वे में यहां चलेगा O C डबल बॉन्ड O C H थ्री ठीक है ये हमारे पास कॉपर एसिटेट का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है ओके okay? तो अब यहां भी जो रिलेशन यूज होगा दैट इज वन मोल इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास नब हम मॉलिकुलर मास ऑफ कॉपर एसिडेट देखते हैं मोलिकुलर मास यू सी टू एच थ्री ओ टू ट्वाइस इक्वल टू अब कॉपर यहां पर कितना है एक आइटम प्रेजेंट है ठीक है तो कॉपर का टॉमिक मास हमारे पास सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव होता है प्लस अब अगर हम इसको खोल के देखें तो C टू इंटू मतलब कि हमारे पास जो कार्बन एटम है वो फोर प्रेजेंट है एच थ्री इंटू टू दैट मीनस हाइड्रोजन सिक्स है और ओ टू इंटू टू मतलब ऑक्सीजन फोर है राइट सो कार्बन का अटोमिक मास ट्वेल्व होता है फोर एटम है इंटू फोर हो गया प्लस हाइड्रोजन का अटोमिक मास वन होता है सिक्स एटम है इंटू सिक्स हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का अटोमिक मास सिक्सटीन होता है इंटू फोर हो गया ठीक है ये हमारे पास मॉलिकुलर मास आ गया नो 63.5 थ्री पॉइंट फाइव प्लस फोर्टी एट प्लस सिक्स प्लस सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर ग्राम तो जब आपने सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव प्लस फोर्टी एट प्लस सिक्स प्लस सिक्सटी फोर किया तो यू विल गेट वन एटी वन पॉइंट फाइव Now, अब हमने बात की थी कि हमारे पास वन मोल इक्वल टू मोलिकुलर मास का रिलेशन जो है वो यूज होगा ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि वन मोल डन सो ट्वेंटी ग्रामीण सो टू हंड्रेड ग्राम ऑफ सी यू सी टू एच थ्री ओ टू ट्वाइस प्रेजेंट इन मोल इक्वल टू यूनिटरी मैथड अप्लाई हो रहा है सो वन मोल

सो पॉइंट वन जीरो टू मोल